गाइस बड़े से बड़ी मूवी हो, बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो, लेकिन स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो हो डायरेक्टर नाग अश्विन जैसी हो कल की मूवी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गजट। गाइस प्रभास अन्ना सर की कल की मूवी इंडियन सिनेमा में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली है, मतलब कि ऐसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाल कर रखने वाली है जो कि इससे पहले इंडियन सिनेमा में आज तक नहीं हुआ है। और काफी लोग बोल रहे हैं कि हर्ष भाई कल की मूवी पर अपडेट देते रहे, जो आप अपडेट देते रहते हो, बैक टू बैक अपडेट देते रहे, भले वो कैसी भी अपडेट हो आप हमारे साथ शेयर करें। तो गाइस काफी तगड़ा अपडेट निकल कर आया इसके रिलीजिंग के बारे में कि डायरेक्टर नाग अश्विन सर इसके रिलीज के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चल रहे हैं, अपन सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते। गाइस सभी को पता है कल की 2898 पैन इंडिया मूवी होने वाली और मल्टीपल 5 लैंग्वेजेस में आने वाली है। लेकिन गाइस यहाँ पर डायरेक्टर नाग अश्विन सर काफी तगड़ी प्लानिंग करने वाले हैं। और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी आउटस्टैंडिंग है, इतनी तगड़ी है कि मतलब जिस दिन ये मतलब कि खड़े होंगे ना इंडियन सिनेमा में, मतलब कि किसी भी इशू का फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को ये चीज भी पता होगा कि सालार द बाप ने भाई साहब कैसे किसी चीजों को फेस किया था, फर्जी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, और जो क्लैश करने वाले तो उनको अलग कुचला था, वो एक अलग ही बात था, आउटस्टैंडिंग था। लेकिन गाइस जिस तरह से हाइप सालार मूवी की टीम ने बनाया सालार सीज फायर पार्ट 1 के साथ, इंडियन सिनेमा में आई थिंक ऐसी कोई मूवी नहीं रही होगी जितना हाइप इस मूवी के लिए देखने को मिला है। और ओनली 5 लैंग्वेजेस में होने के बाद भी गाइस, इंग्लिश वर्जन ना होने के बाद भी ग्लोबली लेवल पे जा चुकी है। और फैंस इतने पागल थे, पागल मतलब कि मरे जा रहे थे कि भाई साहब अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ तो गाइज यहाँ पर ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है, जो डायरेक्टर नाग अश्विन सर है वो ये प्लानिंग कर रहे हैं, हम 5 लैंग्वेजेस में तो लाई रहे हैं, यानी कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, लेकिन इसी के साथ साथ हम इंग्लिश वर्जन में भी इसे रिलीज करेंगे। क्योंकि भाई साहब सालार मूवी को अभी तक इंग्लिश वर्जन में रिलीज नहीं किया गया, अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो भाई साहब डायरेक्टर नाग अश्विन सर का ये कहना है कि हम इसे रिलीज करेंगे, इंग्लिश वर्जन में भी करेंगे, वो भी सेम डे 9th of May को, यानी कि 9 मई को सेम डे को इसे इंग्लिश वर्जन में भी रिलीज किया जाएगा। मतलब कि मतलब कहीं के आप, मतलब आप कहीं के भी हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते, लेकिन सेम डे आप लोगों को वो मूवी एंजॉय करने को मिलेगी जहां पर एक अलग ही विजन होने वाला, काफी बिगेस्ट साइफाई होने वाला है वो ग्राफिक, और यहाँ पर एक्शन थ्रिलर काफी होने वाला है। बाकी जो भी होगा इस यहाँ पर डायरेक्टर नाग अश्विन सर इतनी तगड़ी स्ट्रेटेजी रखने वाले प्रमोशन से लेकर, मतलब कि अब देखा जाए तो टोटल 6 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली कल की 2898 AD। और जिस तरह से भाई सब जैसे जैसे इसकी रिलीजिंग डेट नियर बाय आती जा रही है, वैसे वैसे हाइप जनरेट होती जा रही है। और जो फैंस है ऑल प्रभास अन्ना सर के, फैन जो ऑल हिटर्स है भाई सब, उनके अंदर भी काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है कल की 2898 AD के लिए। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं कल की मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है इसके इंग्लिश वर्जन के बारे में जो कि सेम डे में रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर नाग अश्विन सर के बारे में क्या लगता है, कुछ बड़ा करने वाले हैं या फिर बहुत बड़ा करने वाले हैं, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।